हेलो फ्रेंड, आज बनाऊंगी आटे का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है और कटा हुआ नारियल है। सबको मैंने कट कर लिया है किशमिश को छोड़ के। घी है एक बाउल, शुगर है, चीनी और ये आटा है एक बाउल, गेहूँ का आटा। और इसको पैन रखेंगे गैस पे, तो गेहूँ का आटा इसमें डालेंगे। 20 से 25 मिनट तक इसको फ्राई करना है। इसका थोड़ा सा घी डाल के भी फ्राई करेंगे इसको, तो बिल्कुल रेड करना है फ्राई करके। लगातार इसको चलाते रहना है कि नीचे से जले नहीं, जो लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इस तरह मैं फुल क्रीम मिल्क को बॉईल कर लूँगी। आप दूध की जगह पे पानी से भी बना सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है पहले से, पहले वाइट था बिल्कुल, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हुआ है उसको। अभी और भी फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने के बाद एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी इसको। रेड हो चुका है बिल्कुल। उसके बाद बॉइल दूध को डाल दूंगी मैं उसी कढ़ाई में, दूध को बॉइल होने तक। और थोड़ा सा पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं। बाद में उसी में चीनी डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे चीनी को अच्छे से। देखिए बॉइल आ गया है दूध में। उसके बाद मैं आटे का जो मैंने फ्राई किया था रोस्टेड आटा, इसको मैं इसी में डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स ना पड़े, ऐसे आप लगातार इसको चलाना है। दूध को पूरा सुखाना है इसको। अभी देखिए लम्स दिख रहा है, लेकिन ये अभी सही हो जाएगा लगातार इसको चलाते रहेंगे तो मसल के। देखिए दूध का वो पूरा जल चुका है, इसमें थोड़ा सा फिर से मैं एक चम्मच में घी डालूंगी। पूरा सूख गया है दूध था जो, उसके बाद लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इसको पूरा रेड होने तक इसको फ्राई करना है, इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे। बीच में मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी साथ में। आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के। मैंने बिना रोस्ट किए डाला। देखिए इसका कलर बहुत चेंज हो गया है। अभी ऐसे ही फ्राई करते रहना है, इसको ऐसे ही पकाना है इसको अच्छे से। बीच बीच में घी एक एक चम्मच डालते रहना है, घी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अभी ये देखिए रेडी हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। अभी बहुत ही टेस्टी बनाएगी। अभी मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ इसको। देखिए मैंने सर्व कर लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से भी डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।